जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बहन भाई अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए आज मैं आपको ऐसी जगह दिखाऊंगा, एक बहुत ही शानदार लोकेशन, बहुत ही शानदार रिजोर्ट, जिसमें रहकर भाई मैं तो अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। ऐसी जगह बड़ी किस्मत से मिलती है, तो उसी को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। ये आप मेरे चारों तरफ देख लो, कितना घना जंगल है, बारिश के मौसम में कितना शानदार चीड़ के पेड़ों के बीच व्यू आ रहा है। जगह है हमारी उत्तराखंड में मानिला डिस्ट्रिक्ट, लगता है आपका अल्मोड़ा। तो वहीं पर एक सरकारी गेस्ट हाउस है, वहाँ में रहने का मौका मिला है, तो उसी को आज मैं एक्सप्लोर करूँगा। इतनी शांत जगह और इतना अच्छा वातावरण है कि आप देखकर खुद ही हैरान रह जाओगे। अभी आप ये देखो, ये हमारा रास्ता है सड़क का, जहाँ से हमारी गाड़ी आई है, और प्रॉपर घना जंगल दोनों तरफ देखो आप, इधर भी और इधर भी, पूरा जंगल के मैदान है। और लैंडस्केप बड़ा शानदार है, बहुत ही शानदार आपका लैंडस्केप है। ये हमारी गेस्ट हाउस की एंट्री है। शाम को 6-6:30 बजे के बाद यहाँ ताला लग जाता है, क्योंकि जंगली जानवर आने का डर है और कोई अनऑथोराइज्ड एंट्री ना हो। हालांकि होती नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ताला लगा के रखते हैं। ये देखिए दोनों तरफ क्या शानदार व्यू है। और अभी जो टाइम हुआ है वो दिन का लगभग 8 बजे है, 8 बजे का टाइम है। और मौसम देखो आप, क्या सुहाना शानदार मौसम हो रहा है। और ऐसा नहीं है, बहुत ठंडा, बहुत प्यारा मौसम है यहाँ। आप किसी भी टाइम आओगे ना, किसी भी मौसम में, जून जुलाई में भी आओगे तो भी आपको यहाँ ऐसा ही मौसम मिलता है। ये देखिए हमारे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। और यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन है ना, वो बहुत पुरानी है। कभी जब अंग्रेजों का शासनकाल रहा था, उस दौरान की यहाँ की कंस्ट्रक्शन है, जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो ये आज की नहीं है, काफ़ी पुरानी कंस्ट्रक्शन है, उस दौरान का ये गेस्ट हाउस बना हुआ है। और आप लोगों को बताइए कि वो लोग कितनी ऑफ बीट और कितनी ज़बरदस्त जगह चुनते थे जो उनके लिए सूट करे, क्योंकि ठंडी जगह से आने वाले लोग थे वो, तो वो ऐसी ही जगह चुनते थे जो उनके लिए बेस्ट सूटेबल हो। भाई साहब ये जगह काफ़ी एरिया में फैली हुई है, सारी वन विभाग की जंगल की ज़मीन बोलते हैं, तो जंगल की ज़मीन है, यानी कि सरकारी ज़मीन है। ये देखिए यहाँ पे जो हमारे रेंजर्स हैं उनके गेस्ट हाउस, सॉरी क्वार्टर्स बने हुए हैं फैमिली वगैरह, क्योंकि जो दूर से आते होंगे, जिनकी पोस्टिंग दूर से है, तो वो यहीं रहते होंगे। और काफ़ी शानदार बने हुए हैं ये तो क्वार्टर्स जो हैं, ये तो नए बने हुए हैं। बाकी जो कंस्ट्रक्शन है वो पुरानी, अंग्रेजों के टाइम भी हमारी आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए और इस तरफ, और चारों तरफ बाड़बंदी है इसके, ऐसा नहीं है कि खुला हुआ है जंगली जानवरों से बचाव के लिए, इसके चारों तरफ बाड़बंदी की गई है। ये देखिए कुछ और रेंजर्स के क्वार्टर हैं, यहाँ हमेशा 24 घंटे कोई ना कोई स्टाफ रहता ही है, और ज़रूरी भी है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए। यहाँ से आपकी गाड़ी आ जाती है, और ये सामने जो आपको दिख रहा है ये हमारा गेस्ट हाउस है, और इसके चारों तरफ रोड बना हुआ है, आप गाड़ी इधर से भी लेके जा सकते हैं, इधर भी पार्किंग की तो कोई समस्या है नहीं, जहाँ मर्जी पार्क करें। यहाँ देखिए एक हेडपम्प, चला के तो देखा नहीं है, हालांकि चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि पानी की ऐसी कोई समस्या है नहीं है। और पेड़ देखिए भाई साहब, ये कितने पुराने पेड़ है, बहुत ऊंचे पेड़ है, चीड़ के काफ़ी पुराने टाइम से ये है। इस जगह में फैमिली को लेके
ना आए, मतलब जब छोटे बच्चे हों आपके साथ, तो फिर आप ऐसी जगह अवॉइड करें, क्योंकि बहुत शांति है और थोड़ा जंगली जानवरों का खतरा रहता है, और थोड़ी सी अगर आपको रिक्वायरमेंट है किसी सामान की और उसकी, तो वो भी आपको नहीं मिल पाता। तो ये जो जगह है बेस्ट सुटेबल जो है, वो कॉलेज स्टूडेंट या जो ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्हें ऐसी जगह चाहिए, जो अपना सारा सामान साथ लेके चलते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है। फैमिली के लिए ये जगह मैं कहूँगा थोड़ी सुटेबल नहीं है, ख़ासकर उनके लिए जिनकी फैमिली में छोटे बच्चे और लेडीज़ हो साथ में, लेडीज़ वो भी जो थोड़ा सा ऐसी जगह से घबराते हों, तो उनके लिए ये जगह नहीं है। पीछे देखे भाई, गेस्ट हाउस जो बना हुआ है थोड़ी सी ऊँचाई पर बना हुआ है, और मौसम बड़ा शानदार रहता है यहाँ का, आप किसी भी मौसम में आओ कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए क्या शानदार है, कंस्ट्रक्शन वही है पुरानी ऊपर। अभी अंदर से दिखाऊंगा आपको, लकड़ी के जो बीम होते हैं उनसे कंस्ट्रक्शन है इसकी, और बहुत ही मजबूत कंस्ट्रक्शन है। ये सारी नीचे कहीं बाड़ है, और सब कुछ जंगल का ही एरिया है। रुकने के लिए जो गेस्ट हाउसेज है वो हमारे यही है जो आप देख रहे हैं, बाकी पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ लगाओ पीछे लगाओ, ऐसी कोई समस्या है नहीं। तो जब भी ऐसी जगह आपको रहने के लिए मिलती है, तो भाइयों बिल्कुल आप सारी चीज़ों को छोड़ कर और ऐसी जगह रहो। तो जैसे हमें मौका मिला रात को, होटल हमने बुक कर लिया था, उसे एडवांस में पैसे भी दे दिए थे, लेकिन हम वो पैसे छोड़ के यहाँ आ गए जैसे ही हमें यहाँ रहने का मौका मिला, क्योंकि फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा। तो ऐसी जगह के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब देखें, अब हम इसके पीछे की तरफ आ गए हैं, हम इस साइड से आए हैं, ये हमारा गेस्ट हाउस है। अभी यहाँ से ये रोड ऐसे घूम के उधर ही चला जाएगा, ये हमने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी है। और नीचे आपको अगर देख पा रहे हैं, यहाँ कहीं वो है बाड़ है, जो इसकी जमीन की बाड़ बना रखी है, सीमा कह सकते हैं आप। ये कुछ कुछ पुराना सा बना रखा है, और गेस्ट हाउस के लिए आप वहाँ से भी आ सकते हैं, बाकी पीछे गाड़ी लगा के भी आ सकते हैं। और ये तो भाई साहब पेड़ है, ऐसे पुराने पेड़ देखने को मिलेंगे ना आपको, जो 50-50 60 फुट ऊंचे हैं, तो एक अलग ही आप अनुभव करेंगे। क्या बात है भाई साहब, अभी मैं आपको गेस्ट हाउस में लेके चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको चारों तरफ का प्रॉपर व्यू दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ देखें मेरे पीछे, ये जो है यहीं पे इसकी बाउंड्री आ रही है, यानी कि इस तरफ से इतना ही है ये जंगल की जो भूमि है। अभी चलते हैं थोड़ा और आगे, फिर आपको गेस्ट हाउस में लेके चलेंगे। देखो, एक पुरानी कंस्ट्रक्शन मैंने गेट पे दिखाई थी आपको, एक मेरे पीछे ये है, और एक इस तरीके का ही पुराने टाइप का ही यहाँ कुछ कुछ बना हुआ है, ये पता नहीं बंद है या यूज़ में है नहीं है उस दौरान का, अब तो हम कह नहीं सकते। ये हमारे शायद लेटरिंग के लिए गड्ढे होंगे, और वो नीचे पानी की टंकी है, शायद नीचे पानी की टंकी है, पानी को स्टोर करते हुए। नीचे हमारे इसकी सीमा है, और ये देखिए पेड़ भाई साहब, बहुत पुराने पेड़ और बहुत ऊंचे ऊंचे, क्या बात है। हमने जो कराया वो अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करी है, और यहाँ से हमने गेस्ट हाउस के लिए एंट्री ली है। चलते हैं ऊपर, और प्रॉपर एक आपको ओवरव्यू देते हैं हमारे इस शानदार गेस्ट हाउस का। देखिए, गेस्ट हाउस तो पुराना बना हुआ है, तो हो सकता है कुछ जो आज की मॉडर्न फैसिलिटी है या लग्जरी है वो आपको ना मिले, लेकिन जो लोकेशन है,
जो घूमने के शौकीन लोग हैं, जिन्हें ऐसी लोकेशन, मतलब जो लोकेशन चाहिए, वो लोकेशन ये है। तो इसका महत्व इसलिए ज़्यादा है, आप कंस्ट्रक्शन देख के कहोगे यार पुराना है, कोई सुख सुविधा नहीं है। नहीं, जब आप इस लोकेशन पे आओगे, इस जंगल में आओगे, इस जगह को एक्सप्लोर करोगे, फिर आप कहेंगे कि यार वाकई में बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। तो यहाँ से हम ऊपर आए हैं, देखिए भाई यहाँ से एंट्री है, इस तरफ चलते हैं। और ये चारों तरफ ऐसा बना रखा है कंकर का जो हमारा ये है, इससे क्या है कीचड़ वगैरह नहीं होता, वो हमारे भास्कर भाई हैं। तो ये चारों तरफ ऐसी है, यहाँ से हमारी एंट्री है। आपके लेफ्ट हैंड साइड में किचन वगैरह है, यहाँ अभी किचन वगैरह पे ताला लगा हुआ है क्योंकि रात को हमें चाबी यहाँ की लेट मिली थी, खाना वाना हमने जुगाड़ कर लिया था तो हमें किचन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बाकी आपके लेफ्ट हैंड साइड में किचन, ये छोटा सा पुराने टाइप का बना हुआ है, गैलरी टाइप। और यहाँ गैलरी से आके आपकी गेस्ट हाउस की एंट्री है यहाँ आके। और ये देखिए भाइयों, क्योंकि बारिश का टाइम है ना, तो कीड़े वगैरह से आपकी मुकालात होती रहती है। यहाँ भाई साहब अंधेरा है, लाइट कहाँ गई, लाइट गई क्या, मुझे ऐसा लाइट गई, मुझे ऐसा लग रहा है भाई ये लाइट गई। चलो फिर भी आपको जितनी नेचुरल लाइट है उसमें दिखाता हूँ। तो यहाँ आपका डाइनिंग रूम है, डाइनिंग एरिया। अरे यार यहाँ से कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, हाँ यहाँ से थोड़ा दिख रहा है। तो ये हमारा डाइनिंग एरिया है, 1, 2, 3, 4, 6 छः लोग आराम से बैठे खाना खा सकते हैं। आपको वॉश बेसिन हो गया, ये हमारे पंकज भाई हो गए। एक रूम इधर है, ये अभी ताला लगा हुआ है इसका। मैं जो अपना रूम है जहाँ हम रुके हैं वो आपको दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए भाई, ये बहुत ही शानदार स्पेस है। यह हमारा डबल बेड है, वहाँ हमारी चिमनी है क्योंकि यहाँ ठंड बहुत रहती है। यह हमारा बैठने का सोफ़ा, कुर्सी, टेबल, एक्स्ट्रा बेड रखे हुए हैं, गद्दे अगर किसी भाई को नीड है तो वो मिल जाएगी। यह हमारा शीशा और टॉयलेट बाथरूम है, अंधेरा हो रहा है अभी तो, काफ़ी स्पेसियस है। और यहीं से ही एक कमरे से मैं अगर दिखाऊँ आपको तो कितना खुला पड़ना है। एक दरवाज़ा ये है जहाँ से हम आए हैं, एक दरवाज़ा ये है जो बिल्कुल बाहर की तरफ खुलता है, और एक जहाँ पर्दे देख रहे हैं यहाँ भी दरवाज़ा है, ये भी बाहर की तरफ खुलता है। और अंदर कंस्ट्रक्शन देखो इसकी पुराने टाइम की, ये देखिए लकड़ी की बीम है जिस पर ये सारी छत पड़ी हुई है, और बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर है। इतने पुराने रहने के बाद भी भास्कर भाई कितना पुराना होगा ये लगभग, 100 साल। अब भाई ये 100 साल आप लगा सकते हो कि 100 साल कोई लकड़ी अगर टिकी हुई है तो उसकी क्या मजबूती होगी और कितनी उसकी क्या क्वालिटी होगी। 100 साल में तो लोहे का पुल भी हमारा जो दिल्ली का है वो एक्सपायर हो चुका है। ये हमारी थोड़ी सी सीलन है इधर, आ जाओ मैं आपको एक बार बाहर का दिखाता हूँ। ये तो हमारा रूम हो गया, और ये वो तो हमारा अंदर का रूम था, और ये हमारी गैलरी है जहाँ आप आराम से बैठ के, अगर 20 जने भी है ना तो वो भी यहाँ आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ बैठिए, बारिश का मौसम है तो थोड़ा अच्छा था, यहाँ गैलरी टाइप है, यहाँ बैठ सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए आप, ये भी सारा खुला हुआ है, और यहाँ भी आप आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ बैठने का फ़ायदा क्या है कि थोड़ी सी हाइट पे है ये जगह, हाइट पे है तो आपको अच्छा व्यू आता है चारों तरफ। आप देखो एक बार, यहाँ से आपको चारों तरफ का प्रॉपर व्यू मिलता है। पीछे हमारे पहाड़ हैं, अभी पीछे दिखा एक बार, पीछे हमारे पहाड़ हैं, अभी तो बारिश का टाइम है तो बादल है, वरना आपको यहाँ से प्रॉपर हिमालय व्यू भी दिखेगा। उसके अलावा आपको और दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ जाइए इसके सामने। हमने जो एंट्री करी थी वो हमने उधर से करी है, तो आप वहाँ पर गाड़ी लगा के कहीं भी और यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये कुछ इस गेस्ट हाउस का हमारा ओवरव्यू है,
और गेस्ट हाउस को जो लोकल यहाँ कहते हैं वो है डाक बंगला। तो आप लोगों ने डाक बंगले की बहुत कहानी भी सुनी होगी, गाने भी सुने होंगे, तो ऐसी सी यहाँ कुछ फीलिंग है रात में, क्योंकि रात में अगर यहाँ भूत बंगले फैमिली के साथ हो और लाइट चली जाए तो फिर डाक बंगला आपको ऐसा लगेगा जैसे बाहर भूत तांडव कर रहे हो, है ना। तो वो फीलिंग, हालांकि वो फीलिंग अलग है, पर फिर भी ये रेकमेंडेड है छड़ों के लिए, लफंडर के लिए, मतलब जो जवान ग्रुप है उनके लिए, जो किसी पे डिपेंड ना हो। बच्चों के साथ आओगे तो यहाँ थोड़ी सी निराशा आपको हाथ लगेगी। अभी थोड़ा चलते हैं नीचे की तरफ, वहीं पर अपनी वीडियो का हम दी एंड करेंगे। आइए देखिए कितने बहुत पुराने पेड़ है भाई साहब, क्या वो है। तो यहाँ हम आ जाते हैं शुरू में, तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था यहाँ से हम आए थे, यहाँ से हमारा इसका चारों तरफ, और यहाँ से हमारा ये चारों तरफ इसके गोल चक्कर हो गया। तो भाइयों इसी के साथ हम अपनी वीडियो का दी एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, किसी के काम आए तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यही एक रिक्वेस्ट है। बाकी ऐसे ही कुछ अनएक्सप्लोर्ड जो जगह हैं उनकी वीडियो हम अपने चैनल पे लाते रहेंगे, आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।